been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज़ काफी कमाल की होने वाली है। तो सबसे पहले न्यूज़ है लोकी की। तो लोकी फाइनली अभी भी जिंदा है और उन्होंने एवेंजर्स को पागल बना दिया है, मार्वल फैंस को पागल बना दिया है और थॉर को लग रहा है कि मेरा भाई मर चुका है, बट ऐसा नहीं है। लोकी अभी भी जिंदा है और लोकी अभी इस टाइम काफी मजे ले रहा है। उसके बाद अगली न्यूज आ रही है क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने बोला है कि आपने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जितने भी सीन देखे थे वो काफी शॉकिंग वाले थे, आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ऐसा होगा, बट वो एक सिर्फ एक मूंगफली का दाना था जिसे तोड़ के आप लोग खा गए, बट अभी असली अखरोट तो एवेंजर 4 में टूटेंगे। तो उनका कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि एवेंजर 4 में और भी ज्यादा शॉकिंग वाले सीन होंगे। जी हाँ, उसके बाद थॉर अब सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुके हैं और ये भाई हमारा सबसे ऊपर हो चुका है एवेंजर्स में, बट उसके बाद दीदी कहाँ पीछे रहेंगी। तो फाइनली कैप्टन मार्वल भी काफी धमाकेदार एंट्री करने वाली हैं और क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि थॉर और कैप्टन मार्वल एक साथ दोनों थानोस की मार लगाएंगी। तो मुझे इन दोनों से काफी ज्यादा प्यार हो गया है और देन थॉर तो मेरा फेवरेट बनी चुका है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद। तो गाइस, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो अंदर इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर कंडेज के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।